सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टार बोर्न गेमिंग। तो कैसे हैं आप लोग? सो गाइज, आज की वीडियो में आपको डबल डोर हाउस की टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। ठीक है, कुछ पुरानी भी होंगी, कुछ न्यू होंगी, बट यार सभी के सभी ओपी होंगी। ठीक है, अगर गाइज आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को जान लेते हो तो भाई आप डबल डोर हाउस के किंग बन जाओगे हर तरह से। और गाइज, मैंने स्नाइपर टावर के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हुई है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और भाई मुझे बहुत सारे बंदे कॉमेंट करके पूछते रहते हैं कि भाई आपके जो इंट्रो में सॉन्ग है उसका नाम क्या है, तो आज मैं उसका नाम बता ही देता हूं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां पे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, तो आपको सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। तो मैं कल ना एक पोस्ट डालूंगा और उसमें उस सॉन्ग का नाम आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, छोटा सा काम कर लो, आपको इंट्रो सॉन्ग का नाम मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, एक छोटे से इंट्रो के बाद मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर वन है, जब भी आप किसी डबल डोर हाउस में रस करो तो यार उससे पहले तो आपको लैंडमाइन चेक करनी है। देखो गाइस, आपको कुछ इस तरह से लैंडमाइन चेक करने के बाद आपके पास एक ग्लूवॉल होनी चाहिए और आपको एक ग्लूवॉल यहां पर इस तरह से मार देनी है, फिर आपको ऊपर आना है। तो देखो गाइस, आपको यहां पर एक कवर मिल जाएगा और जो सामने एनिमी बैठा होगा तो आप यहां से कवर ले लेके उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो, या फिर आप नेड कर सकते हो जिससे कि एनिमी सामने आएगा और आप उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे। तो देखो गाइस, मैं पहले इस तरह गया, फिर मैं इस तरफ गया। ठीक है, तो यहां पर एनिमी कंफ्यूज हो गया कि मैं किस तरफ से आने वाला हूं, और मैंने यहां पर वेपन स्विच करके एनिमी को बहुत ही आसानी से मार दिया। ठीक है, तो आपको जब भी आप रस करो तो लैंडमाइन चेक करनी है, उसके बाद आपको एक ग्लूवॉल जरूर मारनी है। अगर आप बिना ग्लूवॉल लगाए ऊपर चढ़ गए ना तो भाई आप मरोगे। ठीक है, क्योंकि एनिमी के पास कवर है भाई, आपके पास कवर नहीं है तो आपको हेड भी पड़ेगा, तो आप वहां पे बचोगे कैसे। सो गाइस, जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर टू है, तो यार जब भी आप किसी डबल डोर हाउस में नेड करो तो यार उसका सही तरीका क्या होता है, देखो गाइस, आपको यहाँ पे आना है और एक ग्रेनेड आपको यहाँ पे इस तरफ एम करके फेंकना है। ठीक, लो टॉस पे, और आपको एक हाई टॉस पे इस तरह से फेंकना है, उस तरफ एम करके जैसे मैंने फेंका है। तो यार देखो क्या होगा, आपका जो पहले वाला नेड होगा ना वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और दूसरे वाला ग्रेनेड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यार जो एनिमी यहाँ पे बैठा होगा वो सोचेगा कि एक नेड जो सामने आया है आगे पहले वाला, तो वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा आएगा वो पीछे आएगा। ठीक है, तो एकदम आगे भी नहीं जाएगा क्योंकि आगे भी नेड है और पीछे भी नेड है, तो वो यहाँ पे इस तरह से ग्लूवॉल मारेगा। अगर उसके पास ग्लूवॉल नहीं होगी तो वो डैमेज खाएगा। ठीक है, सो गाइस, जो हमारी थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी है वो भाई पोचिनो के डबल डोर हाउस की है। ठीक है, पोचिनो के डबल डोर हाउस की, जो ये वाला हाउस होता है ना, तो आपको सिंपली गाइस यहाँ पे एक ग्लूवॉल मार देनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपको टायर के ऊपर जंप करके इसके ऊपर आ जाना है। तो यहाँ पर देखो गाइस, एनिमी को आप यहाँ से भी मार सकते हो, तो देखो सामने एक एनिमी खड़ा हुआ है, नोबसा है, तो यहाँ से भी आप उसको मार सकते हो, या फिर आप इन टायर के ऊपर जंप करके, आपने वो ग्लूवॉल तो मार ही दिया वहाँ पे, यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पर आने के बाद देखो गाइस, आपको धीरे धीरे से यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको इस ग्लूवॉल के ऊपर जंप करना है। ठीक है, यहाँ पे आप जंप करोगे और आपको थोड़ा साइड में मारनी है ग्लूवॉल। अगर आप बीच में मारोगे तो एनिमी भी यार थोड़ा चलाक है, उसको चलाक होगा, उसको भी पता चल जाएगा कि यार ग्लूवॉल लगी है पीछे, तो एनिमी आ सकता है, तो वो भी सोचेगा ना। ठीक है, तो आपको थोड़ा साइड से मारनी है जिससे कि आप कवर लेके एनिमी को देख के बहुत ही आसानी से मार पाओ। ठीक है, सो गाइस, जो हमारी फोर नंबर स्ट्रेटेजी है, उसके लिए आपके पास तीन ग्लूवॉल होनी चाहिए। ठीक है, तीन ग्लूवॉल, और आप किसी भी डबल डोर हाउस में कर सकते हो। तो आपको सिंपली एक ग्लूवॉल इस तरह से मार देनी है, इसके बाद आपको एक ग्लूवॉल इस तरह से मार देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरी ग्लूवॉल यहाँ पे कुछ इस तरह से मारनी है। आप कहीं पीक वाले डबल डोर हाउस में भी इस ट्रिक को कर सकते हो, तीन ग्लूवॉल चाहिए इसके लिए बस। ठीक है, और ये रस करने की एक अमेजिंग ट्रिक है, तो यहाँ पर आपको अपने एक फ्रेंड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको सिंपली अपने फ्रेंड के ऊपर जंप करना है, या फिर आपको एक जीप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है तो आपको एक जीप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जीप के ऊपर जंप करके आप इसके ऊपर आ जाओगे और यहाँ से आप सीधा अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर जो एनिमी बैठा होगा आप पीछे से आके उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो। अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो भाई आपके टीममेट्स नीचे से रस मारेंगे और आप पीछे से आओगे, भाई आप पूरी स्क्वाड को आसानी से वाइप आउट कर दोगे। सो गाइस, जो हमारी फाइव नंबर स्ट्रेटेजी है वो कैंपर्स के लिए, जो बंदे डबल डोर हाउस के अंदर कैंप करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो इसके लिए आपके पास एक ग्लूवॉल होनी चाहिए और आपको एक ग्लूवॉल यहाँ पे मारनी है कुछ इस तरह से, फिर आपको इसके ऊपर जंप करना है और यहाँ पर आपको एक लैंडमाइन लगा देनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर आपको ये जो ग्लूवॉल है ना इसको फोड़ देना है। ठीक है, इसको फोड़ने के बाद गाइज जो आपकी लैंडमाइन होगी ना वो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, अभी देखना गाइज, मैं इसको फोड़ देता हूँ
और देखो गाइज आपकी जो लैंडमाइन है वो ऊपर ही रह चुकी है, और जो एनिमी आएगा उसको ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ऊपर जाके। तो देखो गाइज जब एनिमी यहाँ से आता है तो भाई सबसे पहले तो वो यहाँ पर जाएगा और लैंडमाइन को चेक करेगा। तो देखो गाइज फूटी नहीं बिल्कुल भी, फिर अंदर जाएगा और यहाँ से लैंडमाइन को चेक करेगा, बिल्कुल नहीं फूटी। फिर वो सोचेगा भाई कुछ नहीं है चलो ऊपर, तो वो जैसे ही ऊपर आएगा और यहाँ पर वो डैमेज खाएगा जिसकी वजह से आप उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे। सो गाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6 है वो भी पोचिनोक के डबल डोर हाउस में है, इस वाले हाउस में, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस घर में आना है, अगर इस घर में कोई एनिमी नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पर एनिमी बैठा रहता है, तो आप यहाँ से एम करके उसको बहुत ही आसानी से मार सकते हो। अगर एनिमी मतलब और कहीं पर बैठा हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है, तो गाइज़ आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ये जो टायर दिखते हैं आपको इसके ऊपर जंप करना है। इसके ऊपर जंप करने के बाद आपको ऊपर फिर से टायर दिखेंगे, तो फिर आपको इसके ऊपर जंप कर देना है। तो आप सिंपली इसके ऊपर आ जाओगे, और यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से टायर दिखेंगे तो आपको सिंपली उसके ऊपर जंप कर देना है। और आप ना यहाँ पर भी एक ग्लूवॉल मार सकते हो, जैसे मैंने पहले वाले घर में दिखाया था, पोचिनोक का एक घर था, ठीक है, उसमें दिखाया था। या फिर आप यहाँ पर आ सकते हो, और यहाँ पर आने के बाद आप उछल उछल के एनिमी को मार सकते हो। अगर एनिमी आगे बैठा हुआ है आप यहाँ से ग्रेनेड कर सकते हो, तो एनिमी सामने आएगा ही और उसको आप बहुत ही आसानी से मार सकते हो। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को पीछे वाले घर में भेज दो, तो आपके फ्रेंड्स पीछे से उसको डैमेज देंगे, तो एनिमी सामने जरूर आएगा और आप सामने से उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे। सो गाइस जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7 है वो ग्रेनेड की ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर एनिमी बैठा होता है, और मैंने आपको बताया था कि आप बाहर से नेड कर सकते हो। अगर बाय चांस बाहर भाई एनिमी खड़े हुए हैं, ठीक है, बाहर आप जा नहीं सकते या फिर बाहर जोन नहीं है, तो आप अंदर से भी इस घर के अंदर नेड कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एम करना है, और यहाँ पर एम करने के बाद आपको सिंपली एक नेड कर देना है, तो आपका जो ग्रेनेड होगा वो वहाँ पे जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा गाइस, जो एनिमी होगा ना वो सामने आएगा या फिर इससे ही डैमेज हो जाएगा, जिससे कि आप उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे। तो यार जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 8 है वो भी गाइस एक ग्रेनेड की ट्रिक है, और ये एक अमेजिंग ट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आना है, ये जो टेबल सी पड़ी होती है तो आपको इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर एम करने के बाद जंप करके आपको अपने ग्रेनेड को फेंक देना है। तो भाई आप देख सकते हो जो आपका नेड है वो सीधा अंदर चला गया, ऊपर चला गया। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पे एम करना है और जंप करके नेड कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपने नेड को कर सकते हो, और मैंने आपको पहले बताया आप वहाँ से भी नेड कर सकते हो। सो गाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 9 है, तो यार कभी कभी क्या होता है आपको पता चल जाता है कि एनिमी आ रहा है, तो भाई आप उसको सरप्राइज करके आसानी से मार सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप इसके पीछे जा सकते हो। आपको पता चल गया कि एनिमी ऊपर आ रहा है, वो जैसे ही आएगा तो वो देखेगा कि भाई कहाँ पे एनिमी, उसको दिखेगा भी नहीं, और आप पीछे से आके उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे, ठीक है। सो गाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 10 है वो भाई कतई ओपी है। तो आपको सिंपली इसके लिए क्या चाहिए, एक मेडिकिट चाहिए और एक लैंडमाइन चाहिए। तो आपको यहाँ पर सीढ़ियों के नीचे आना है, और यहाँ पर आपको अपनी एक मेडिकिट निकालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको मेडिकिट के ऊपर एक लैंडमाइन लगा देनी है, और भाई ये ना एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि गाइज जो एनिमी होता है ना वो सिंपली इसके नीचे जाके ऊपर वाली लैंडमाइन को जरूर फोड़ता है, ठीक है। जो अगर अच्छा प्लेयर है ना वो इसके नीचे जरूर आएगा, और ऊपर वाली लैंडमाइन को वो जैसे ही फोड़ेगा तो वो नीचे से ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां से जो एनिमी आएगा वो यहां से चेक करेगा पहले तो लैंडमाइन, फिर आएगा वो यहां से चेक करने, और वो जैसे ही चेक करेगा तो आप देख सकते हो उसको कितना ज्यादा डैमेज पड़ने वाला है। तो भाई मैं आपको एक और लैंडमाइन की अमेजिंग ट्रिक दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके पास एक ग्लूवॉल होनी चाहिए, और यहाँ पर आपको एक ग्लूवॉल मार देनी है, फिर आपको इसके ऊपर जाना है, और इसके ऊपर जाने के बाद आपको इस ग्लूवॉल के ऊपर जंप करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक लैंडमाइन लगा देनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर आपको अपनी इस ग्लूवॉल को तोड़ देना है, ठीक है। अभी देखना गाइस इसको तोड़ने के बाद क्या होता है। जैसे गाइज आपकी ये ग्लूवॉल टूट जाएगी तो आपकी जो लैंडमाइन है वो हवा में रह जाएगी। भाई आप देख सकते हो कतई अमेजिंग लगता है, और जो एनिमी होगा ना भाई उसका तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। जब गाइज कोई एनिमी ऊपर रस मारेगा तो सिंपली वो यहाँ पर एक ग्लूवॉल मारेगा, ठीक है। फिर वो लैंडमाइन चेक करने के बाद ऊपर जाएगा, वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो इस ग्लूवॉल का कवर लेगा ना, तो भाई आप देख सकते हो जो ऊपर लैंडमाइन लगी हुई है उससे वो डैमेज खाएगा। मेरे पास ना 4 लेवल की वेस्ट थी इसलिए कम डैमेज पड़ा, अगर 2 या 1 लेवल की होती भाई बहुत डैमेज पड़ता, जिसकी वजह से आप उसको बहुत ही आसानी से मार पाओगे।
तो गाइज आपको ये 10 टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और भाई एक शेयर भी कर देना। और गाइज जो बंदा चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन कॉल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। I felt for you, oh I regret.